शमी नारायण डीडी न्यूज के एक दिग्गज एंकर रहे हैं। आइए सुनते हैं दूरदर्शन न्यूज की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग, वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ, उसी ने उसको ग्रूम किया है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। You know, like when I started reading that, it used to be VTR. मतलब एक टेप होती थी, हाफ इंच की या वन इंच की, वो रोल करती थी बड़ी सी स्पूल्स के ऊपर, हार्ड लाइट्स होती थी, मल्टी 20, हेलोजेंस, यू नो, इससे शुरुआत हुई। बट आई एम फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस ऑल द फॉर्मेट्स। संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। So that's the simplest story of my life, how I became a news reader. We were very conscious ki koi bhool ke bhi aapse galti na ho jaye while reading. You know why? You must understand, we were not only newscasters. Jab hum log apne ghar se bahar nikalte the padhne ke liye, to hamare zehen mein ek zimmedari hoti thi, kyunki us zamane mein schools aur colleges mein bachchon ko kaha jata tha कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है ना, या आपने अच्छा बोलना सीखना है, तो आप इन लोगों को सुनिए। चाहे वो प्रोनंसिएशन की बात हो, आपके लहजे की बात हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे हिंदुस्तानी है, और अगर कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी यूज करने पड़ जाएं, ऑल्दो वी वर नॉट इंग्लिश न्यूज रीडर्स, वी ऑलवेज यूज टू आस्क आवर इंग्लिश काउंटर पार्ट्स की बॉस आज एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से बोलनी है मुझे। आज दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में आप कुछ भी बोलिए आज, वो ट्रेनिंग, वो एनवायरमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है, उसी ने उसको ग्रूम किया है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वी वर वंस टॉकिंग टू हिम एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि मुझे भी दूरदर्शन से सुनकर बहुत कुछ मालूम पड़ा। आज भी वो 82 इयर्स की एज में व्हेन ही स्पीक्स, व्हेन ही डज हिज केबीसी, यू ऑल ग्लूड टू दैट चेयर बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ हिज मॉड्यूलेशंस। 96% ऑफ द मेट्रो ट्रेन्स दे कैरी माय वॉइस एंड रिनी खन्ना'स वॉइस। नॉट दैट वी आर ग्रेट वॉइसेस, The owners of those metros had a confidence. उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग। That's what the whole credit goes to DD for our valorization, our upgrading, you know, our grooming. That's why I always tell the young generation, please stick to दूरदर्शन। आप दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़िए। एक तो they don't exaggerate the things. You know, it's very constructive. वो समाज को जोड़ती है, वो आपकी देश की बेसिक प्रोग्रेस को दर्शाती है, भाषा का ख्याल रखते हैं। कहीं भी आज तक, मतलब इवन चाहे वो रूलिंग है चाहे ऑपोजिशन है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक गरिमा होती है जुबान की, ब्रॉडकास्टिंग की, वो आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी जाती है। वैसे हम गाली देंगे, यार आजकल के चैनल्स में क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं, तो भाई देन गो टू दूरदर्शन ना यार, आप देखिए फिर दूरदर्शन की न्यूज को देखिए, उनके पैनल डिस्कशंस को देखिए, उनकी नॉलेज को समझिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी हु इज स्टिल अलाइव।
जिसकी आज भी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी आज अपनी गरिमा है, एक जो अलग से पहचान बनाई गई है दूरदर्शन न्यूज की पूरी प्रसार भारती में, उसके शायद 21 साल पूरे हो गए हैं। और इन 21 सालों की उपलब्धि पर मैं अपने ना सिर्फ दूरदर्शन के साथियों को बल्कि दूरदर्शन देखने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच।